हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स यूजिंग एससीआर। तो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स एससीआर से बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल हाफ वेव रेक्टिफायर का देना चाहूंगा। तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, ध्यान से देखेंगे। ये एक अल्टरनेटिंग सप्लाई है वीएस, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया है। ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड लिया है डी, और एक लोड लिया है, लोड हमारा रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड के लिए हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल देखेंगे पहले। तो अगर मैंने बोला कि सप्लाई जो हमारी है वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, यहां पे अप्लाई किया हमने, ये हमारी सप्लाई है। अब आपको पता है साइन की पहली हाफ साइकिल जब आएगी तो जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। जब ये पॉजिटिव होगा तो पी से पी कनेक्ट होगा और एन से एन कनेक्ट होगा और डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो इसके अक्रॉस एक करंट फ्लो होगा, हम इसे बोलेंगे आईएल लोड करंट। ये है आपका आरएल लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लोड करंट फ्लो होगा तो यहां पे एक वोल्टेज जनरेट होगी जिसे हम बोलेंगे वीएल। ये जो वोल्टेज होगी ये टोटली रजिस्टिव वोल्टेज होगी क्योंकि लोड हमने रजिस्टेंस यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा वीएल का, तो वीएल और आईएल का ग्राफ सेम होगा क्योंकि हम रजिस्टिव लोड का यूज कर रहे हैं। ये हमारी साइकिल फर्स्ट हाफ के लिए आउटपुट हमारा आएगा, इसे बोलेंगे वीएल या फिर आईएल। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमारा आउटपुट जो होगा वो ये होगा। उसके बाद सेकेंड हाफ साइकिल जो हमारी आएगी उसके ऊपर वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। आपका डायोड पी से एन और एन से पी कनेक्ट होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, आईएल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वीएल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी, नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड आपका फिर से ऑन होगा और ये आपको आउटपुट मिलेगा, और उसकी नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपका डायोड ऑफ हो जाएगा या आउटपुट आपका जीरो। तो ये हमने देखा डायोड के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम डायोड को थायरिस्टर से एससीआर से चेंज कर दें तो इसके वेवफॉर्म्स में क्या डिफरेंस आता है, लोड वोल्टेज में और या लोड करंट में क्या डिफरेंस आता है। तो हम यहां पे डायोड की जगह एससीआर यूज करेंगे जिसे हम बोलेंगे टी, ये इसका गेट टर्मिनल। हमने लोड करंट ही यूज किया है, ये लोड करंट अभी फिलहाल हम यहां से हटा देते हैं, और लोड हमने यहां पे रजिस्टिव ही यूज किया है, रजिस्टिव लोड के साथ ही हम इसको आगे करेंगे। तो अब देखेंगे फिर से फर्स्ट हाफ साइकिल जब साइन की आएगी तो ऊपर वाला टर्मिनल नीचे के वाले के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव होगा, थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस होने के वजह से होगा, जंक्शन जे वन और जे थ्री फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और जंक्शन जे टू को हम गेट पल्स देके फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो हमने माना कि हमने यहां एंगल फाई पे, फाई एंगल पे हमने इसे फायर किया, क्योंकि रजिस्टिव लोड है तो वीएल और आईएल की वेवफॉर्म सेम होंगी, ठीक है। तो क्या होगा जिस एंगल पे फायर होगा, पहले आउटपुट ये आ रहा था, अब क्या होगा इसके बाद आपका आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से ये आउटपुट होगा वीएल और आईएल के, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे फायरिंग एंगल यहां पे दिया, फॉरवर्ड बायस तो हो गया था प्लस और माइनस से, लेकिन फायरिंग एंगल देने के बाद जंक्शन जे टू फॉरवर्ड बायस हुआ और ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया। थायरिस्टर टर्न ऑन होने के बाद हमारा यहां से आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने फायरिंग एंगल यहां पे दिया, तो यहीं पे हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। क्या होगा डायोड आपका थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में जाएगा तो इसका कंडक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सेम उस तरीके से आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग दोबारा से फायरिंग पल्स देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में,
यहां से आपका यहां से भी फायरिंग पल्स देंगे वहीं से आपका आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट हो जाएगी, ये है आपका अल्फा और ये है पाई, ठीक है। तो ये होगा आपका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जब हम थायरिस्टर को यूज करते हुए रजिस्टिव लोड के लिए आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें हम एक चेंज करते हैं, हम रजिस्टिव लोड की जगह इंडक्टिव लोड लगाते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VL होगी। अब देखते हैं हम आउटपुट वेवफॉर्म में किस तरह से चेंज आता है, ठीक उसी तरीके से ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव होगा फर्स्ट हाफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे और नीचे का टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब यहां पे क्योंकि इंडक्टिव लोड किया है तो VL और IL दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये हमने पहले हम करंट के लिए वेवफॉर्म बनाएंगे IL, थायरिस्टर को हमने यहां पे फायरिंग पल्स दिया अल्फा पे, अल्फा पे हमने थायरिस्टर को फायरिंग पल्स दिए। तो यहीं से ही जैसे हम फायरिंग पल्स देंगे प्लीज से पी और एनसीएल कनेक्ट है, फायरिंग पल्स दिया थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही इसमें करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आईएल फ्लो होने लगेगा। तो ये क्या होगा आपका आईएल पीक पॉइंट तक पहुंच जाएगा यहां से, ठीक है। और ये जो आपका लोड है वो इस वाली इस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर आपका प्लस माइनस से चार्ज हो जाएगा। अब इस इंस्टेंट पे आते ही पाई पे आते ही क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी, थायरिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर के ऑफ होते ही क्या होगा, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस एब्रप्ट करंट चेंज हो जाता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे इसको माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए जब तक ये डायोड आपका, जब तक ये इंडक्टर चार्ज रहेगा, ये इस लूप में डिस्चार्ज होगा, अपोजिट लूप में अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से डिस्चार्ज होगा थायरिस्टर को ऑन करते हुए, और थोड़ी देर तक करंट इसमें यहां पे फ्लो होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये करंट जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर ठीक उसी तरीके से करंट आएगा और ये डिस्चार्ज होगा। आउटपुट वोल्टेज की बात करें डीएल, जिस समय करंट फ्लो हो रहा होगा उस समय हमें आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा ठीक ऊपर वाले की तरह, लेकिन क्योंकि करंट का कंडक्शन थोड़ी देर के लिए है और आपका करंट कंडक्ट करेगा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा ये आउटपुट वोल्टेज आपको यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर आपका ऑफ रहेगा पहले की तरह जैसे हमेशा से रहता है और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां से आपका आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा और क्योंकि करंट का कंडक्शन है थोड़ी देर के लिए तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिला है एसी की फॉर्म में, क्योंकि देखिए एसी की रिपल्स आ रही है, जबकि जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो किस लिए यूज करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, एक डायोड लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड, हम यहां पे एक डायोड का यूज करेंगे जिसे हम बोलेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करेगा, जो करंट इंडक्टर में स्टोर होगा उसे फ्री व्हील करेगा। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो करंट फ्लो होगा, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल आने के बाद जब ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंडक्टर भी आपका एब्रप्ट थोड़ी देर के लिए करंट चेंज करेगा, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, आपका फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा और जो करंट फ्लो होना था पहले थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा था वो यहां से आपका फ्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट की जो वेवफॉर्म होगी वो तो आपकी सेम रहेगी लेकिन वोल्टेज जो होगा आपका वो कैसा मिलेगा आपको, क्योंकि वोल्टेज जो होगा क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, जब ये कंडक्टर लगेगा तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा, जैसे ये शॉर्ट होगा वोल्टेज जीरो हो जाएगी, यहां जो वोल्टेज जीरो होगी तो ये डीएल को भी जीरो कर देगा। तो ये जो वोल्टेज है ये आपको आफ्टर यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड वीएल व्हीलिंग डायोड पे आपको इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी वेवफॉर्म्स है। अब
हम इसका आउटपुट अगर कैलकुलेट करें मैथमेटिकली तो हमें पता है वी एल इज इक्वल टू होगा 1/2π इंटीग्रल, इंटीग्रल होगा अल्फा से पाई के बीच में, क्योंकि हमने अल्फा पे फायरिंग एंगल दिया था, पाई तक वो वेव चली थी, हाफ वेव की बात हो रही है, अल्फा टू पाई, और ये होगा आपका साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे वीएल, सॉरी वीएम भी होगा, वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसे लिखेंगे वीएल इज इक्वल टू वीएम अपॉन 2π इंटीग्रल अल्फा टू पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का हम इंटीग्रल निकालेंगे, आएगा वीएम अपॉन 2π माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा टू पाई लिमिट्स के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वीएल इज इक्वल टू वीएम अपॉन 2π कॉस पाई होता है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगी आपकी आउटपुट एक्सप्रेशन लोड वोल्टेज के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर। वीएल इज इक्वल टू वीएम अपॉन 2π 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये हमने देखा हाफ वेव के लिए डायोड से हमने किस तरीके से रेक्टिफायर बनाया और थायरिस्टर से किस हमने रेक्टिफायर बनाया। तो दोनों में फर्क ये है, जो डायोड से रेक्टिफायर बनता है उसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि एक बार अगर फॉरवर्ड बायस हो जाए जंक्शन तो उसमें करंट का कंडक्शन हम रोक नहीं सकते। इसे हम बोलते हैं फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि अगर जंक्शन फॉरवर्ड बायस भी हो गया थायरिस्टर का, जब तक हम ट्रिगरिंग पल्स नहीं दे रहे तब तक हमारा आउटपुट जीरो, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो जो भी हम रेक्टिफायर थायरिस्टर की यूज करके बनाएंगे वो हमारे फुली कंट्रोल्ड होंगे, और जो हम डायोड की यूज से बनाएंगे वो हमारे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। थैंक यू।